नहीं तो बजरंगल रोड पे उतरे। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में लियो क्लब के सहयोग से छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा आयोजित जन जागरूकता अभियान में एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार से सावधान रहे। इस पर आ रही जानकारी की पुष्टि किए बिना विश्वास नहीं करें। उन्होंने छात्राओं से कहा कि अगर कोई उनका पीछा करता है, छेड़ता है, भद्दे कमेंट्स करता है तो इसको नज़रअंदाज करने के बजाय पुलिस को शिकायत करे या सीधे मुझे कॉल करे। इसके लिए उन्होंने अपना मोबाइल नंबर सभी को लिखाया। उन्होंने कहा कि चाइल्ड के लिए 1098, महिलाओं के लिए 1090 पर भी कॉल कर सकते हैं। वहीं पुलिस की ज़रूरत होने पर 100 डायल पर भी कॉल कर सकते हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने हेलमेट लगाकर ही बाइक चलाने की अपील की है। इस मौके पर पुलिस विभाग द्वारा छात्राओं को 6 बिंदु पर फीडबैक मांगा गया, जिसमें छात्राओं को कोचिंग स्कूल जाते समय कोई पीछा तो नहीं करता, कोई कमेंट्स तो नहीं करता, यदि बिंदु पर फीडबैक मांगा गया है। एसपी जब कार्यक्रम से बाहर निकले तो पीड़ित महिला गीताबाई मेवाड़े ने अपने बेटे की नदी में डूबने से हुई मौत की जांच की मांग की। वहीं एक युवती ने एसपी से ससुराल वालों द्वारा 9 लाख मांगे जाने और धमकी दिए जाने की शिकायत की, जिस पर एसपी प्रदीप शर्मा ने थाना प्रभारी को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ये जो आज की कार्यशाला थी बच्चों को लेकर, आप क्या 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 विषय था? और ये हमारे जो माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय हैं, उनके निर्देश अनुसार हम लोग हर गली हर मोहल्ले में ऐसे बच्चे जिनको एक्सेस नहीं है सरकारी नीतियों का, और स्कूल्स और जो खासकर स्कूल और कॉलेज गोइंग और कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिसमें बच्चे और बच्ची शामिल हैं, इसके संबंध में हम लोग स्कूल्स जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज मैं खिलचीपुर में स्कूल में आया था। यहाँ हमने बच्चों को बताया कि उनके अधिकार क्या हैं और उनके लिए हमने सरकार ने और पुलिस ने क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई हैं, खासकर डायल 100 और 1098 1090। इनफैक्ट इनको हम लोगों ने अपने नंबर भी दिए हैं, मैंने अपना नंबर भी दिया है कि अगर ये इस तरह की कोई भी सूचना हो ये हमें दे सकती हैं। हमने एक फीडबैक फॉर्म भी सर्कुलेट किया है जो अनोनिमस है, जिसमें इनका नाम नहीं जाना जाएगा, और अगर इसके माध्यम से भी हमें कोई सूचना देना चाहती हैं ऐसे कोई गली मोहल्ला जहाँ पर इस तरह के लड़के छेड़छाड़ करते हैं, या कोई स्पेसिफिक लड़का जिसके बारे में ये जानकारी देना चाहती हैं तो वो हमें दे सकती हैं, और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसके जो ससुराल वाले हैं इसको परेशान करते हैं और 9 लाख में इसका झगड़ा टूटा है, कोई माँ जाना नहीं चाहती है, क्या है सर पूरा? ये कल मैंने और कलेक्टर मैडम ने जो समाज के जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ एक बैठक करी थी। राजगढ़ जिले में ये झगड़ा की जो कुप्रथा है इस पर हम लोग अब बहुत स्ट्रांगली कार्रवाई करने वाले हैं। इस तरह की जितनी भी बच्चियाँ हैं जिनके द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि उनका बचपन में इस तरह का कहीं संबंध कर दिया गया और अब उसके बाद कहीं और शादी होती है या रिलेटेड जो भी समस्या है, और कुछ गांव के लोग इसमें दबाव बनाकर ये झगड़े की जो राशि मांगते हैं ये बिल्कुल ही अवैध है, और इस तरह की हमें जो भी शिकायत प्राप्त होगी उन सब के विरुद्ध जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पंचायत करते हों चाहे वो आगजनी का काम करते हों, उनके विरुद्ध जो वैधानिक धाराएँ हैं उनके अंतर्गत हम FIR दर्ज करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसमें कलेक्टर मैडम ने भी अपनी तरफ से बताया है कि जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी उनका जो सरकारी चीज़ें हैं जैसे कि गन लाइसेंस वगैरह, उनका भी निरस्तीकरण का हम